ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले की संभावना के बीच फिलहाल गहलोत सरकार ने 13 आईएएस और 2 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं, जिसके गुरुवार देर रात राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार गहलोत सरकार ने एपीओ चल रहे आईपीएस हेमंत अभिलाष टांग और हेमंत प्रियदर्शी को पोस्टिंग दे दी है, तो वहीं आईएएस विश्राम मीणा को आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज लगाया गया है, जबकि कनिष्ठ कटारिया को उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी कोटा लगाया गया है। राहुल जैन को उपखंड अधिकारी आबू सिरोही लगाया गया है। वहीं पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 10 आईएएस और 2 आईपीएस अफसरों को भी सूची में जगह मिली है। आपको बता दें, लंबे समय से पोस्टिंग की बाट जो रहे 10 आईएएस अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी गई है, जबकि एक आईएएस को गहलोत सरकार ने एपीओ किया है। जारी सूची के अनुसार पी रमेश को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयपुर मेट्रो रेल का कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान जयपुर, खुशाल यादव को संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी एजेंसी जयपुर, पूजा कुमारी पार्थ को अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य विभाग जयपुर, श्वेता चौहान को सरकारर पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय जोधपुर, सोहन लाल को उपखंड अधिकारी बूंदी, गुंजन सिंह को उपखंड अधिकारी रायसिंह नगर, धीरज कुमार सिंह को उपखंड अधिकारी खिमसर, सिद्धार्थ पालानीचामी को उपखंड अधिकारी उज्जैन भरतपुर और मृदुल सिंह को उपखंड अधिकारी ब्यावर अजमेर लगाया गया है। वहीं प्रशासनिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा है कि दिवाली के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल कर सकते हैं। हाल ही में जारी हुई लंबी आरएएस तबादला सूची और अब आई छोटी आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादला सूची के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सीएम गहलोत विधायकों की रिजायर का पूरा ध्यान रख रहे हैं और विधायकों के कहे अनुसार ही अफसर लगाए जा रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।